पिछोर के गौरव पूर्व राजस्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी की 107वीं जयंती मनाई गई। मध्य प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता की 107वीं जयंती पर सर्वप्रथम गहोई धर्मशाला में पूर्व राजस्व मंत्री जी की प्रतिमा पर गहोई समाज एवं नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ने पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी लोगों ने पूर्व राजस्व मंत्री लक्ष्मी नारायण नाना जी को याद किया और पुष्पांजलि अर्पित की। उसके पश्चात गौशाला जाकर गौमाता का पूजन किया, साथ ही गौशाला के सभी गौमाता को फल खिलाए गए। इसके बाद टेकरी सरकार मंदिर पिछोर पर श्री रामचरितमानस का पूजन प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम हुआ। उसके बाद समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, गहोई समाज के स्वजन एवं नगर के गणमान्य नागरिक सभी पिछोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। स्वास्थ्य केंद्र में स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण नाना जी की 107वीं जयंती के उपलक्ष्य में अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को फल वितरण किए गए और इस तरह मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राजस्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण नन्ना जी की 107वीं जयंती को मनाया गया। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। नन्ना जी की 107वीं जयंती पर आप सभी स्वजनों ने यहाँ अस्पताल में आके फल वितरण किए हैं और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पिछोर के विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक और जन जन के लोकप्रिय जन नेता माननीय लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी की आज 107वीं जयंती पिछोर क्षेत्र में समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धूमधाम से मना रहे हैं। माननीय नन्ना जी का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है। इन्होंने पूरा, आज देखिए, हमारे 5 बार पिछोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे और आज जो पिछोर क्षेत्र का विकास दिखाई देता है वो सब नन्ना जी की देन है। आज पिछोर के लिए पिछोर का गौरव दिवस है और नन्ना जी हमारे पिछोर के गर्व और गौरव थे, जिन्होंने पिछोर से लेकर पूरे हिंदुस्तान में पिछोर का नाम रोशन किया और पिछोर का मान और सम्मान और पिछोर का गौरव बढ़ाया और पिछोर का विकास किया। आज पिछोर क्षेत्र उनके लिए कृतज्ञ होकर उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है।